नमस्ते दोस्तों वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट ये प्रीव्यू है ऐसे ट्वेंटी के नेक्स्ट मैच का डबल हेडर होने वाला है सैटरडे को ये प्रीव्यू है पहले मैच का जो खेला जाएगा सनराइजर्स ईस्टर्न केप और एमआई आई केप टाउन के बीच में ईस्टर्न केप की बात करूं तो करंटली थर्ड पोजीशन पे है तीन मैचेस जीती है दो हारी है एक नो रिजल्ट में रहा था जो अपना रीसेंट गेम है प्रिटोरिया कैपिटल से हार कर आ रही है जस्ट बाय थ्री रन उस गेम में ईस्टर्न केप की साइड से मार्को यानसे ने तीन विकेट्स निकाली थी डैनियल वॉलर ने दो विकेट्स निकाली थी लियम डॉसन और एडन मार्कम ने भी एक एक विकेट निकाली थी अगर बैटिंग से बात करें तो उनकी साइड से ट्रिस्टन स्ट ने सबसे ज्यादा रन बनाए थे थर्टी फाइव रन बनाकर आ रहे हैं लियम डॉसन ने ट्वेंटी नाइन नॉट आउट बनाया था पैट्रिक रूगर ने बनाए थे ट्वेंटी टू रन एमआई केपटाउन की बात करें करंटली फोर्थ पोजिशन पे है दो मैचेस जीती है चार हारी है अपना लास्ट मैच हार कर आ रही है डबल सुपर जॉइन से बाय थर्ट सिक्स रन डबल ने सेट किया था टारगेट ऑफ वन फिफ्टी एट रन जिसमें एमआई के उनके जॉर्ज लिंडे थॉमस कबेड ने दो दो विकेट निकाली थी सैम करन ऑल स्टोन ने एक एक विकेट ली थी इन रिटर्न बैटिंग की अगर मैं बात करूँ तो सैम करन टॉप स्कोर थे थर्टी एट रन उन्होंने बनाए थे डिवॉल ब्रेविस ने ट्वेंटी वन रन बनाए थे एंड आरवी ने नाइनटीन रन उस मैच में बनाए थे हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो तीन मैचेस खेले हैं आपस में सनराइजर्स ने तीनों ही मैचेस जीते हैं एमआई केप्टन अभी तक एक भी मैच नहीं जीत पाई है हेड हेड टू में रिवर्स फिक्सचर की बात करें तो ईशन के वो मैच जीतकर आ रही है बाय फोर रन ये लोएस्ट कमीशन के फर्जी दावे बहुत जगह सुने होंगे है ना पर कभी इंडिया के फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा देखा है वहां पे टीम बनाई है आओ खेलो फैंटेसी अखाड़ा पर खुद देखो लोएस्ट कमीशन और हाईएस्ट अर्निंग क्या होती है जल्द फैंटेसी अखाड़ा ऐप डाउनलोड करो और जीतो बात करते हैं दोस्तों प्रॉब्लम इलेवन की तो पहले देखते हैं सनराइजर्स ईस्टर्न केप का इलेवन तो यहाँ खेलते हुए आपको दिखेंगे डेविड मलान जॉर्डन हर्मन टॉमेबल एडन मार्क्रम इनके कैप्टन ट्रिस्टन स्टब्स पैट्रिक रूगर मार्को यास लियम डॉसन उतनी बैटमैन शायद आपको खेलते हुए ना दिखे लास्ट मैच भी इन्होंने मिस किया था तो वी आर नॉट श्योर कि इस मैच में खेलेंगे कि या नहीं खेलेंगे फिर साइमन हारमर और डैनियल वॉरल टॉमेबल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वापस से लाइनअप में आ जाएंगे रॉजन डिंगी जवाब बात करते हैं एमआई के की तो खेलते हुए देखेंगे रायन रिकल्टन इनके विकेट कीपर और रसी मैनेडुसन फिर आएंगे एसन फिर सैम करन डिवॉल्ड ब्रेव लिया लिविंगस्टोन कैरन पोलार्ड इनके कैप्टन जॉर्ज लिंडे थॉमस कबे ओली स्टोर और कगी बात करें दोस्तों वेन्यू एनालिसिस की अब तो ये गेम खेला जाएगा सेंट जॉर्ज पार्क के में जहां पे एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर अगर मैं लास्ट दो मैचेस की बात करूं जो इस सीजन में हुए हैं 139 नाइन रन रहा बट आपने देखा जो पहला मैच इस सीजन में हुआ था उसमें 400 से ऊपर रन्स बने थे एंड दूसरा मैच जो सीजन में हुआ उसमें 50 पे ही ऑल आउट हो गई थी टीम एंड दैट इज वाई इनका एवरेज फर्स्ट टीम स्कोर 139 थर्टी नाइन रन यहां दिखा रहा है इस सीजन का बट इन ऑल यहाँ पे काफी ज्यादा रन्स बनते हुए आप एक्सपेक्ट कर सकते हो बट हाँ ओवरकास्ट का कंडीशन हुई तो आप अर्ली ऑन स्विंग देख सकते हो एंड वहां पर काफी विकेट्स भी गिर सकती है तो इसलिए आप लोग कंडीशन जरूर ध्यान से देख लीजिएगा मैच से पहले यहाँ पे अगर मैं इन दोनों मैचेस में टॉस की बात करूँ तो एक मैच जिस टीम ने पहले बैटिंग करी थी वो जीती है दूसरा जिसने पहले बॉलिंग करी थी वो जीती है वर्सेस स्पिन की बात की जाए दोस्तों तो आप यहाँ देख सकते हो कि स्पेस ने अराउंड सेवेंटी सेवन परसेंट ऑफ द ओवर्स डाले हैं स्पिनर्स ने अराउंड ट्वेंटी थ्री परसेंट ऑफ ओवर डाले हैं एंड पेस ने अराउंड एट्टी सिक्स परसेंट विकेट्स निकाली हैं एंड स्पिनर्स ने केवल थर्टीन टू फोर्टीन परसेंट विकेट्स निकाली हैं तो अगेन आपको आउट राइटली यहाँ पे पेिस डोमिनेट करते हुए दिखेंगे इसके अलावा आप ज्वाइन कर लेना हमारे टेलीग्राम चैनल जहाँ पे आपको मिल जाएंगे इस गेम के इनसाइट्स भी और इस गेम के जीएल टिप्स भी अब बात करते हैं दोस्तों रिकॉर्ड्स इन एसी ट्वेंटी की इस साल के तो पहले देखते हैं सनराइजर्स ईस्टर्न केप के बैटर्स का रिकॉर्ड तो यहाँ टेस्टर्स ने सबसे ज्यादा रन्स बनाए हैं चार ही इनिंग्स खेले में वन सिक्सटी सेवन रन बना चुके हैं एट्टी थ्री पॉइंट फाइव की एवरेज से दो बारी हाफ सेंचुरी लगा चुके हैं जॉर्डन हरमर होंगे नंबर दो पे जो कि 54 की एवरेज से 162 सिक्सटी बना चुके हैं पांच इनिंग्स में टॉम एबल ने 48.5 की एवरेज से 97 सेवन बनाए हैं तीन इनिंग्स में एडेन मार्कन की बात करूं तो 89 नाइन रन ये भी बना चुके हैं चार इनिंग्स में इनके बोलर्स में डैनियल बोरल निकाल चुके हैं नौ विकेट अठारह ओवर्स में पांच इनिंग्स में स्ट्राइक रेट है ब्रिलियंट ट्वेल्व का ओपनील में शायद खेलते हुए दिखे या ना दिखे आठ विकेट इन्होंने निकाली हैं अभी तक मार्को यासन छह विकेट निकाल चुके हैं एटीन पॉइंट फाइव की स्ट्राइक रेट से पांच इनिंग्स में एमआई केपटाउन के बैटर्स की बात करें रायन रिकल्टन ने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं वूपिंग 71 की एवरेज से 355 फिफ्टी बना चुके हैं छह इनिंग्स में जहां पे चार मैच में हाफ सेंचुरी लगा चुके हैं हाईएस्ट स्कोर इनका 98 एट रन्स का रहा है आरबीडी होंगे सेकंड नंबर पे जिन्होंने 38 एट की एवरेज से टू ट्वेंटी छह इनिंग्स में एक सेंचुरी है इनके नाम इस uh, सीजन में सैम करन आते हैं 34 फोर की एवरेज से दो रन बनाए हैं पांच इनिंग्स में इनके बोलर्स में थॉमस कबेट छह विकेट्स निकाल चुके हैं चार इनिंग्स में थर्टीन की स्ट्राइक रेट से नेक्स्ट होंगे जॉर्ज लिंडे जिन्होंने पांच विकेट्स निकाली अलॉग विद ओली स्टोन बट जॉर्ज लिडे ने अराउंड ट्वेंटी के स्ट्राइक रेट से विकेट्स निकाली है ओली स्टोन ने अराउंड नाइनटीन की स्ट्राइक रेट से निकाली है तो दोस्तों ये होगी हमारे रिकॉर्ड्स की बात अब हम बनाएंगे अपनी बेस्ट टीम जो हम बनाएंगे फैंटेसी अखाड़ा पर जहां पे चल रहा है फ्री गिव अवे एस ट्वेंटी के मैचेस में है फ्री गिव अवे एंड उस कॉन्टेस्ट में आप अप टू टू टीम्स लगा सकते हो और आपके पास मौका है पच्चीस हजार रुपये तक जीतने का यानी कि एंट्री फी आपको कोई नहीं देनी पड़ेगी वो कॉन्टेस्ट खेलने के लिए बट आपके पास जीतने का मौका होगा काफी बड़ा तो जल्दी से खेलना शुरू कर दो फैंटेसी अखाड़ा पे लिंक आपको मिल जाएगा पिन कॉमेंट में डिस्क्रिप्शन में आप एप स्टोर पर भी जाकर सर्च कर सकते हो एंड इसके अलावा अगर आप हमारा रेफरल कोड व्यू स्पोर्ट यूज करोगे तो आपको और भी एक्साइटिंग ऑफर्स वहाँ मिल सकते हैं बनाएंगे दोस्तों अपनी बेस टीम तो यहाँ विकेट कीपिंग सेक्शन में हम दोनों ही विकेट कीपर्स को लेके जाएंगे पहले हो जाते हैं सनराइजर्स ईस्टर्न केप के ट्रिस्टिन स्टप जो कि लास्ट को मैच में सबसे ज्यादा रन बनाकर आ रहे हैं अपनी टीम के लिए मिडल ऑर्डर में बैटिंग करते हुए दिखते हैं एंड अपनी टीम के लिए हाईस्ट रन स्कोर भी बन चुके हैं इस सीजन में दो फिफ्टीज ऑलरेडी है इनके नाम रिवर्स फिक्सर में इलेवन नॉट आउट बनाया था इन्होंने एंड वेन्यू रिकॉर्ड अगर आप देखोगे तो काफी अच्छा है स्पेशली बैटिंग सेकंड सात इनिंग्स में टू थर्टी वन रन बना चुके हैं फोर्टी सिक्स की एवरेज से बैटिंग फर्स्ट भी थर्टी नाइन की एवरेज से बनाया है टू थर्टी थ्री रन इन्होंने राइन रिकल्टन हो जाते हैं नेक्स्ट एम आई टाउन के हाईस्ट स्कोर रहे हैं अपनी टीम के लिए एंड लास्ट दो परफॉर्मेंस इनकी इतनी खास नहीं रही है बट उससे पहले बैक टू बैक चार फिफ्टीज मारकर आ रहे हैं एंड अगर आप देखोगे कि इनकी टीम की परफॉर्मेंस भी लास्ट दो मैच से कुछ इतनी खास नहीं रही है रिवर्स फिक्सचर में इन्होंने एक हाफ सेंचुरी लगाई थी हेड टू हेड की बात करें तो तीन इनिंग्स में एक रन बना चुके हैं थर्टी की एवरेज से प्लस आपको विकेट कीपिंग से पॉइंट्स भी ये दिलाएंगे बैटिंग सेक्शन में चलते हैं दोस्तों तो पहली पिक हो जाती है यहाँ पे एम आई केप टाउन के रसी बैंडसन इनके सेकंड हाईएस्ट रन गेटर हैं एंड जस्ट लाइक रिकल्टन इनका भी लास्ट दो मैच का परफॉर्मेंस इतना अप टू द मार्क नहीं रहा है बट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाउंस बैक करेंगे क्योंकि रिकल्टन और आरवीडी की जो ओपनिंग पार्टनरशिप है काफी अच्छे से वर्क कर रही थी एम आई के लिए एंड इनका वापस से चलना काफी जरूरी हो जाता है ताकि एम आई के भी मैचेस वापस से अच्छे जाए रिवर्स सिक्सर की बात करूँ तो आरवीडी उसमें फोर्टी रन बनाकर आ रहे हैं एंड वेन्यू रिकॉर्ड अगर आप देखोगे तो बैटिंग सेकंड अच्छा है दो इनिंग्स इन सेवेंटी थ्री रस बना की एवरेज से बैटिंग फर्स्ट भी 29 की वन सेवेंटी वन रस बना चुके हैं इस वेन्यू पे अब इनका माचा वर्सेज बोलर टाइप देखोगे तो थोड़ा सा लेफ्ट आर्म स्पिन के अगेंस्ट स्ट्रगल रही है अट्ठारह इनिंग्स में से छह बारे आउट हुए टी ट्वेंटीज में सिंस टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री तो लियम डॉसन इन्हें परेशान करते हुए देख सकते हैं इसके अलावा बाकी सबके अगेंस्ट फेली एवरेज का अच्छा है चलेंगे दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन में तो पहली पे हो जाती है एडन माक्रम ईस्टर्न गेप के कैप्टन नंबर चार पे बैटिंग करते हैं लास्ट मैच में केवल तीन ही रन बनाए बट एक विकेट निकाली थी उन्होंने एक ही ओवर डाला था उसमें विकेट निकाल ली थी रिवर्स सिक्सर में नाइनटीन रन बनाकर आ रहे हैं आपको दोनों तरफ से फैंटेसी वैल्यू देने की क्षमता ये रखते हैं आप इनके वेन्यू रिकॉर्ड अगर देखोगे तो बैटिंग फर्स्ट तीन इनिंग्स uh, में 64 फोर रन बना चुके हैं 32 की एवरेज से बैटिंग सेकंड में 29 की एवरेज से 172 सेवेंटी रन बना चुके हैं छह इनिंग्स में दो बारी हाफ सेंचुरी इस वेन्यू पे लगा चुके हैं इनका मैचअप वर्सेस बोलर टाइप की बात करें तो अगेन ये भी लेफ्ट आर्म स्पिन के अगेन थोड़ा स्ट्रगल करते हैं जहां पे जॉर्ज लिंडे इन्हें परेशान करते हुए देख सकते हैं उन्नीस इनिंग्स में सात बार आउट हुए लेफ्ट आर्म स्पिन पे टी में सिंस टू अगले हम लेके जाएंगे ईस्टर्न केप के ही माको यान से इनके लेफ्ट आर्म पेसर लास्ट गेम में थ्री फर लेकर आ रहे हैं प्रिटोरिया के अगेंस्ट जिसमें दो विकेट इन्होंने पावर प्ले में ही निकाल ली थी उसके पहले वाले मैच में भी टू फर लिया था इन्होंने बैटिंग से भी कुछ एक्सप्लोसिव नॉक्स इन्होंने खेली है रिवर्स फिक्सचर की बात करें तो हम विकेट जरूर गए बट इस वेन्यू पे एमआईसीटी को ये परेशान करते हुए दिख सकते हैं आप यहां देखोगे एमआईसीटी के बैटर्स जो स्ट्रगल करते हैं लेफ्ट आर्म पेस पे तो आप देख सकते हो सैम करन उन्तीस इनिंग्स में से आठ बार आउट हो चुके हैं रायन रिकल्टन भी बारह इनिंग्स में से चार बार आउट हो चुके हैं तो इन दोनों को जरूर ट्रबल लेफ्ट एंड यू रिकॉर्ड मैं बात करूं मार्को की तो छह तो विकेट्स इस विकेट्स इस निकाल चुके हैं एक काफी सेफ कैप्टन चॉइस होंगे इस गेम में नेक्स्ट हम लेके जाएंगे Karan, के. Again, दोनों बैटिंग बॉलिंग से वैल्यू देंगे चार पे बैट किया था ट्वेंटी सेवन बॉल्स में केवल थर्टी एट रन बनाकर आ रहे हैं एंड रिवर्स सिक्सन में भी नंबर चार पे ही बैटिंग करी थी एंड क्विक 537 थर्टी सेवन बनाए थे केवल 22 बॉलों में नंबर चार पे काफी अच्छी बैटिंग करते हुए देख रहे हैं तो आपको टॉप ऑर्डर में बैटिंग भी करते हुए देखेंगे प्लस आपको डेथ की भी वैल्यू देते हैं डेथ में भी ये ओवर्स डालते हुए दिखते हैं तो आप यहां देखोगे डेविड मलान की एवरेज है केवल 20 की टॉम एबल भी 27 की एवरेज से आउट हुए हैं लेफ्ट आर्म पेस पे मार्को यानसन भी 17 की एवरेज ही है केवल लेफ्ट आर्म पेस के अगेंस्ट एंड अगर इनका मैचअप्स आप देखोगे तो ट्रिस्टन स्टेप्स को पांच इनिंग्स में एक बार आउट किया है ट्वेंटी की एवरेज है एंड टॉम एबल को भी तीन इनिंग्स में एक बार ही आउट कर चुके हैं ये भी दूसरे सेफ कैप्टनसी चॉइस बन जाते हैं चलते दोस्तों बोलिंग सेक्शन में तो यहाँ पे पहली पिक रहेगी एमआई केपटाउन के, के कगिसो रबाड़ा अच्छी पेस से बोलिंग कर रहे हैं अभी तक चार विकेट्स निकाली हैं हम इन्हें बैक करेंगे इनकी वेन्यू नंबर्स की वजह से इस वेन्यू पे चार इनिंग्स में पांच विकेट्स निकाल चुके हैं ऑफलेट हाँ विकेट्स इन्हें नहीं मिली है बट अगर आपने इनके स्पेल देखे होंगे तो काफी थ्रेटनिंग भी लगे हैं एंड यहाँ पे इन्हें एंड इस वेन्यू पे जहाँ पे पेस को मदद मिलती है मगज विकेट से डेफिनेटली दिख सकते हैं हेटवे रिकॉर्ड में भी तीन इनिंग्स में तीन विकेट्स से निकाल चुके हैं लास्ट जो हमारी बेस्ट टीम में पिक रहेगी वो हो जाते हैं ईस्टर्न केप के टैनियल वोरेल अपनी टीम के हाईएस्ट विकेट टेकर बन चुके हैं एंड हर मैच में एटलीस्ट एक विकेट निकाल कर आ रहे हैं लास्ट गेम में टू फर इन्होंने और उसके पहले एक थ्री फर भी है इनके नाम ऑलरेडी रेवर्स फिक्सचर में भी एक विकेट निकाली थी अगेन आपको पावर प्ले और डेथ में बॉलिंग करते हुए दिखेंगे आप इनका परफॉर्मेंस बाय फेस देखोगे टू टी ट्वेंटीज में सिंस टू तो आप देख सकते हो कि पावर प्ले में भी और डेथ में भी बहुत ही अच्छी बोलिंग करते हैं एंड इस वेन्यू पे भी दो इनिंग्स में पांच विकेट ऑलरेडी निकाल चुके हैं तो ये भी एक काफी अच्छी पिक बन जाएंगे बोलर सेक्शन में तो दोस्तों ये बनेगी हमारी टेन वन फॉर्मेट की बेस टीम जहां विकेट कीपिंग सेक्शन में हम स्टब्स और रायन रिकल्टन दोनों को लेके जाएंगे बैटिंग सेक्शन में हो गए आरवीडी ऑलराउंडर सेक्शन की बात करूं तो एडन मार्क्रम मार्को यानसन और हम लेके जाएंगे सैम करन को एंड बोलिंग सेक्शन में कगीसो रबाड़ा और डैनियल बुरन अब हम बनाएंगे अपनी सिनेरियो वाइज टीम वो बनाने से पहले फिर से याद दिला दो ट्रिपल सीजन पास चल रहा है व्यू स्पोर्ट की ऐप पे जहां पे आपको एस ए ट्वेंटी बांग्लादेश प्रीमियर लीग आयल टी ट्वेंटी के जितने भी मैचेस है सबका फैंटेसी इलेवन देखने का मौका मिल जाएगा सबके फैंटेसी इलेवन आप देख पाओगे केवल तीन सौ निन्यानवे रुपए में यानी कि थ्री नाइन नाइन रुपीज में बहुत सारे मैचेस है तीनों लीग्स के जो अभी भी बचे हुए हैं उन सबका फैंटेसी इलेवन आप देख सकते हो आप ऐप पे जाके कर लो ये ऑफर अवेल व्यू स्पोर्ट का लिंक भी आपको मिल जाएगा पिन कॉमेंट में और डिस्क्रिप्शन में बनाते अपनी सीनारियो वाइज टीम तो पहले हमारा सिना हो गया जब सनराइजर्स ईस्टर्न के बॉलिंग करेगी तो यहाँ पे टेन वन फॉर्मेट में विकेट कीपिंग सेक्शन सेम रहेगा बैटिंग में हम यहाँ पे बैक करेंगे डेविड मलान को एक फिफ्टी ऑलरेडी बना चुके हैं जो कि एम आई केपटाउन के अगेंस्ट ही आई थी उसके बाद से थोड़ी परफॉर्मेंस लो रही है बट इस फॉर्मेट में वन ऑफ द बेस्ट बैटर्स हैं एंड ये टूर्नामेंट जैसे से आगे पड़ेगा हम एक्सपेक्ट करेंगे दैट ही विल कम गुड प्लस इस गेम में वी आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग सनराइजर्स ईस्टर्न के अच्छा परफॉर्म करेगी एंड uh, फेवरेट्स होंगे तो चेस करते हुए हम यहाँ पे बैक करेंगे एक ओपनर को फ्रॉम सनराइजर्स ईस्टर्न के ऑलराउंडर सेक्शन की बात करें तो हम यहाँ पे लेके जाने जाएंगे ली लिविंगस्टन को जब एम आई केपटाउन पहले बॉलिंग कर रही होगी तो अगेन आपको बैटिंग बॉलिंग से कॉन्ट्रीब्यून दे सकते हैं डिसेंट स्टार्ट रहा था इस सीजन का लास्ट तीन गेम्स में थोड़ी परफॉर्मेंस डिप हुई है बट जब सनराइजर्स पहले बॉलिंग कर रही है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लिविंगस्टोन को अच्छी खासी बैटिंग मिलेगी एंड सेकेंड इनिंग्स में स्पिन होते हुए भी दिख सकती है विकेट तो वहां पे वे बॉल के साथ भी कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं बोलिंग सेक्शन में चलते हैं तो यहाँ पे हमारी पिक जो रहेगी वो रहेंगे थॉमस कबेर एमआई केपटाउन के इनके लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं एक एक विकेट एटलीस्ट निकाली है पिछले तीनों ही मैचेस में एंड लास्ट गेम में तो टू फोर लेकर आ रहे हैं एक सीफर भी ऑलरेडी इनके नाम है एंड बैटिंग से भी दो गेम्स में अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन इन्होंने दिया है अच्छे खासे थ्रेट हो सकते हैं स्पेशली बोलिंग सेकेंड तो दोस्तों ये बनेगी हमारी टीम जब सनराइजर्स ईस्टर्न के पहले बोलिंग कर रही है तो टेन वन फॉर्मे में जब विकेट कीपिंग सेक्शन में हम जाएंगे आरवी स्टब्स और रिकल्टन के साथ ही बैटिंग सेक्शन की बात करूं तो हम जाएंगे आरवीडी और आरवीडी के साथ लेकर जाएंगे हम डेविड मलान को ऑलराउंडर सेक्शन में हो गए सैम करन मार्को ये एडन मार्कम और लियम लिविंगस्टोन एंड बोलिंग सेक्शन की बात करें तो कगीस रबाड़ा थॉमस कबीर और लास्ट हो जाते हैं हमारे डैनियल अब दूसरे सीनारियो की टीम बनाते हैं जहां पे सनराइजर्स ईस्टर्न के पहले बैटिंग करिए तो क्या बनेगी टीम यानी कि आपके एम आई केपटाउन पहले बॉलिंग करते हुए दिखेंगे तो यहाँ हम विकेट कीपिंग सेक्शन सेम रखेंगे बैटिंग में जॉर्डन हारमोन को लेके जाना चाहेंगे एंड हमने देखा है काफी टेक्निकली साउंड बैटर है संभल के खेलना जानते हैं एंड एक बार ही सेट हो जाए तो तेज खेलने की क्षमता भी ये है, रखते हैं सेकंड हाईएस्ट रन गेटर है ईस्टर्न केप के लिए आफ्टर ट्रिस्टन स्टब्स एंड रिवर्स फिक्सर में तो एक हंड्रेड मार्कर आ रहे हैं एमआई केपटाउन के अगेंस्ट ऑलरेडी एक सेंचुरी है इनके नाम इस सीजन में तो कॉन्फिडेंस भी काफी हाई होगा गोइंग इनटू दिस गेम ऑलराउंडर सेक्शन हम सेम ही रखेंगे बोलिंग सेक्शन की बात करते हैं पहली पिक रहेगी एमआई के, के ओली स्टोन इनके इंग्लिश पेसर हम इन्हें बैक करेंगे क्योंकि असिस्टेंस मिल रहा है हाँ पे पेसर्स को हार्ड हार्डल करते हुए ये दिखते हैं एंड ट्रबल कर सकते हैं पेसर्स को अपने बाउंस से तीनों फेजेस में बोलिंग डालते हुए आपको दिखेंगे लास्ट मैच में एक विकेट भी निकाली रिवर्स सिक्स में जरूर विकेटलेस है बट बट दैट वाज द ओनली गेम जहां ये विकेटलेस थे बोलिंग फर्स्ट आप डेफिनेटली इन्हें बैक कर सकते हैं अपनी टीम में लास्ट जो पिक लेके जाएंगे वो लियम डॉसन ईस्टर्न केप के जो कि इनके लेफ्ट आर्म स्पिन बोलर

विकेट कीपिंग सेक्शन में टिस्टन स्टब्स रायन रिकल्टन बैटिंग सेक्शन में आरवीडी के साथ जॉर्डन हर्मन ऑलराउंडर सेक्शन में माको यानसन एडन सैम करन। बोलिंग सेक्शन की बात करूं तो कगी को लेके जाएंगे ओली स्टोन हो गए लियम डॉसन हो गए एंड इसके साथ साथ हम लेके जाएंगे डैनियल बुरेर को बात करें दोस्तों सेफ कैप्टनशिपिक्स की तो यहाँ पर सेफिस कैप्टनशिपिक सबसे पहले हो जाती है हमारे दोनों ऑलराउंडर सैकरन माको यानसन जो आपको दोनों बैटिंग बॉलिंग से कॉन्ट्रीब्यून दे सकते हैं एंड तीसरे हम ले जाएंगे रायन रिकल्टन को जो कि आपको विकेट कीपिंग से भी पॉइंट्स दिलाएंगे डिफरेंशियल डिफेंशियल पिक की बात करें तो हम यहाँ पे बैक करेंगे ट्रिस्टन स्टेप्स को और रसी बैनेडूसन को आप यहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हाई स्कोरिंग गेम हो सकता है तो बैटर्स यहाँ गेम में डेफिनेटली रह सकते तो दोस्तों यह था हमारा आज का प्रीव्यू आप डाउनलोड कर लेना व्यू स्पोर्ट की ऐप जहां पे मिल जाएगा आपको इस गेम का फाइनल फैंटेसी कॉम्बिनेशन और हमारा ट्रिपल पास भी मैं आपसे जल्द मिलूंगी नेक्स्ट फैंटेसी प्रीव्यू के साथ थैंक यू सो मच